उसको मारोगे, उसके बाद को कुचलने का काम करोगे। तो भीमा कोरेगांव 200 वर्ष पहले हुआ, मुझे मालूम है मेरा समाज 200 वर्ष पहले जितना कमजोर था उससे आज उससे ज़्यादा मजबूत है। इस 200 वर्ष में बाबा साहब पैदा हुए, मान्यवर साहब काशीराम पैदा हुए, हमारे बहुत महापुरुष पैदा हुए और बहन कुमारी मायावती पैदा हुए, उन्होंने हमें इतना मजबूत कर दिया है कि हम लड़ना जानते हैं। मुकाबला करें और बनारस में चंद्रशेखर लड़ने के लिए आ रहा है, ये मैं तय कर रहा हूं। घोषणा करें घोषणा करें मोदी जी, जब वो चंद्रशेखर के सामने चुनाव लड़ेंगे। भीम आर्मी ने घोषणा कर दी है कि भीम आर्मी लड़ेगी चुनाव और हमारे साथ। हम राजनीति नहीं कर रहे, दोस्त नहीं कर रहे, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हम लोग सामाजिक है, हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं। लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। आप सुनिए पहले मुझे सुनिए, नहीं बिल्कुल सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम मायावती जी लड़े ना योगी मोदी जी के सामने, अखिलेश यादव जी लड़े ना मोदी जी के सामने, और नहीं नहीं बिल्कुल अखिलेश यादव जी लड़े ना और प्रियंका गांधी जी लड़े ना, राहुल गांधी जी लड़े ना मोदी जी के सामने। डमी प्रत्याशी उतार रहे हो आप, डमी प्रत्याशी उतार करके मोदी जी को आसानी से जिता देना चाहते हो आप लोग। वही मोदी जी जिसने हमारे 13 बच्चों की सहित गोली से उड़ा दिया, वही मोदी जी जिन्होंने 37 मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दिया, वही मोदी जी जिन्होंने जिनके राज में नोटबंदी के तौर 13-14-15-16 लोग नोटबंदी में मर गए, वही मोदी जी जिनके राज में गोरखपुर में बैठ करके 400 बच्चों की माँ की कोख सुनी हो गई। इस ऐसे शासन को आसानी से जीत करके हम लोग नहीं जाने देंगे। उसके लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमने घोषणा करके मोदी जी भी घोषणा करें। ऐसा लगता है कि मनुवादी मीडिया को आज पहली बार किसी बहुजन प्रवक्ता से पाला पड़ा है। जैसा कि हम लाइव पर देख पा रहे हैं किस तरीके से राहुल नागपाल बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, सामने जो जो भी होंगे वो नाम बाद में पता चलेगा कौन कौन सामने राहुल नागपाल जी के साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल राहुल नागपाल जी बड़ी निर्भीकता से बहुजनों की आवाज़ को आज स्ट्रीम मीडिया पर उठा रहे हैं, लाइव हैं वो, शायद किसी चैनल पर पता चलेगा अभी क्या चैनल था वो। समाज का सपोर्ट होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि बसपा भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी, कांग्रेस पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो जब दोनों पार्टियां कैंडिडेट उतारेंगी तो चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट बहुजन समाज कहां कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो जो लोग रोड़ा डाल रहे हैं इस पूरे रास्ते में, तो क्या वो सिर्फ चंद्रशेखर के रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं या बहुजन समाज के रास्ते में भी रोड़ा डाल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, किसी पार्टी से बहुजन नहीं, बहुजन समाज से पार्टियाँ, कोई भी नेता समाज से नेता से कोई समाज नहीं है। जैसे चंद्रशेखर भीम आर्मी से है, पूरे बहुजन समाज से है, चंद्रशेखर से कोई समाज नहीं, तो ऐसे ही बहुजन समाज के सपोर्ट चुनाव लड़ा जा रहा है। आप जब जाएंगे बनारस, अगर आपको मौका मिला उस कन्वेंशन को चेक कर लेना तो आपको पता रहेगा बहुत बड़ी तादाद में जो लोग चंद्रशेखर से प्रेम कर रहे हैं, भीम आर्मी से प्रेम कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ी तादाद में सभी जाति के लोग संविधान के समर्थन में बढ़े वो मोदी बनाने के चंद्रशेखर। सवाल लेकिन ये भी है कि समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ अलग चुनाव लड़ रही है, बसपा और समाजवादी पार्टी का कहना है कि मोदी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि मोदी को हराना चाहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई अलग अलग लड़ेंगे तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा? आपको ऐसा नहीं लगता है गठबंधन भी मेरे कहने से मेरे दबाव में हुआ, जब मैंने बार बार कहा कि गठबंधन कीजिए और गठबंधन कीजिए करके जो है मोदी जी को हराने का काम कीजिए, और अभी भी पूरे देश में जो है गठबंधन चल रहा है, कभी भी जो है चुनावी समझा है, कभी भी मोदी की तरफ भी दो रही है। रही बात मोदी जी को हराने की, तो जो व्यक्ति गलत है सब लोग उसका विरोध करते हैं, और ये लोकतंत्र है, गलत को कोई अच्छा नहीं करता। मोदी जी झूठे हैं, उन्होंने जो वादे किए थे जनता को ठगने का काम किया था, वो जो मैनोफेस्टो लाए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे वो सबका साथ सबका विकास का हो, चाहे वो महंगाई से आज़ादी का हो, चाहे वो काले धन का हो, चाहे एक के बदले 10 सीट लाने का हो, तो ऐसा कोई भी वादा जो उन्होंने किया था युवाओं से, किसानों से, कर्ज माफी का, बेरोजगारों से, वो कोई भी वादे पर खड़े नहीं उतरे। तो ऐसे में पूरा देश जो है, आप जब देखेंगे घर से बाहर निकलो सब लोग उनके खिलाफ हैं, और सब लोग आज भी हमारे लोगों को 2 अप्रैल की लाठियां याद हैं, आज भी जिन लोगों ने नोटबंदी में पूरे दिन सहे हैं, सुबह लाइन में लगे पूरे दिन परेशानी के लिए, उन माताओं बहनों को वो परेशानी याद है, जिन्होंने जिस तरह से उन शहीदों के घरों में चिताएं जल रही थी और मोदी जी के नेताजी मोदी जी रैलियां कर रहे थे,
वो जहाँ शहीदों, एक तरफ शहीदों की चिताएं थी, दूसरी तरफ जो है एक अब मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ जो मोदी जी अपनी चुनाव रणनीति पका रहे थे, और उनके नेता और मंत्री जो हैं शहीदों की चिता उनमें सब क्या नाम सब यात्रा में हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इससे पता लगता है कि उनकी वो दोगली नीतियों में, इसलिए हम लोग उनके विरोधी हैं। और हम जब हम उनके विरोधी हैं तो इस पूरा बहुजन समाज विरोधी, बहुजन समाज विरोधी तो उन्हें खा कर। आज जो आपने दिल्ली में एक बड़ी रैली की, बहुजन अधिकार रैली, उसमें लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ आपने बयानबाजी की, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत क्यों? आखिर उनकी गलती क्या है? पिछले 5 सालों में ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना गुस्सा है, या उनके ऐसे कौन से काम है बहुजन समाज के खिलाफ जिसकी वजह से ये गुस्सा उपजता है आपके अंदर? सबसे बड़ी तो बात यह है कि मोदी जी दलित विरोधी, और दलित विरोधी किसी भी व्यक्ति को मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। रही दूसरी बात, मोदी जी को मैंने अभी भी गिना जिस वादे उन्होंने किए थे, जो उम्मीद के साथ लोगों ने तो वोट दिए थे, खड़े नहीं उतरे। और तीसरी बात, मोदी जी और आरएसएस ये कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, मेरा वजूद संविधान है, मेरा मान सम्मान संविधान है, मुझे हक अधिकार संविधान मिलेंगे, तो संविधान विरोधियों को सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी। भीम आर्मी का तो निर्माण ही संविधान के सम्मान में, संविधान के समर्थन में, संविधान को मजबूत करने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हुआ था। तो ऐसे में जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, जो 10% स्वर्ण आरक्षण लागू करके संविधान की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, और जिन लोगों ने 2 अप्रैल में साजिश, जहाँ जहाँ भाजपा गवर्नमेंट है हमारे लोगों को मारने का काम किया हो, आज भी जहाँ यूपी में हमारे लोग राशुका कट्टू में जेल काट रहे हों, तो उनकी पीड़ा, और मैं खुद गुप्त भोगी हूँ शब्बीरपुर मामले के बाद, जहाँ हम न्याय के लिए लड़ रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने हमें जेल में डालने का काम किया, राशु का लगाने का काम किया, और मेरे 42 भाइयों को मैंने तड़पते हुए देखा है। तो जो मैंने सहा है उसकी वो पीड़ा जो है, अब वो पीड़ा बहुजन समाज की है, तो बहुजन समाज की मांग है कि मोदी को संसद में आकर रोका। मीटिंग के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, आप मेरठ में अस्पताल में थे जिस वक्त कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आपसे मिलने आई, उस पूरी मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या कांग्रेस से किसी अंडरस्टैंडिंग की भी के संभावना है इस चुनाव के दौरान? ये देश जो है भारत और मानवता, देश में बहुत सारे लोगों में जिंदा है, विभिन्न जातियों धर्मों के लोग, विभिन्न बोलियों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, दूसरे को त्यौहार मनाते हैं, दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब कोई मुसीबत आती है देश में कहीं भी तो सब लोग उसका समर्थन करते हैं, जैसे कोई दुर्घटना होती है। तो मैं बीमार था, प्रियंका बहन देखने के लिए आई, बहुत बहुत स्वागत है उनका। इसे राजनीति से मीडिया जोड़ना चाहती है तो वो उनकी सोच है, अगर मुझसे मिलना पाप है तो फिर उनकी गलती, मुझसे मिलना पाप मेरे साथ में नहीं, मैं भी देश का नागरिक हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इतनी सी बात, उन्होंने मेरे हालचाल पूछे, मैंने बताया कि कांग्रेस से कोई अलायंस होगा, कांग्रेस में मैंने बताया कि मैं हमेशा बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, और मेरी दिल इच्छा ये है, पूरे बहुजन समाज ये चाहता है कि भाजपा जाना सही होगा। एक सवाल ये भी है कि आज रैली के दौरान आपने कहा कि अगर संवैधानिक रूप से हल नहीं निकलता है तो बिना कोरेगांव स्तर पर दोहराया जाएगा, क्या मतलब था आपसे? बिना कोरेगांव में हमने देखा वायलेंस हुआ था, क्योंकि आप कुछ वायलेंस कह रहे हैं, दोबारा वायलेंस होगा देश के अंदर? मीडिया बीमा कोरेगांव के बारे में नहीं जानती, मेरे माध्यम से जान लेंगे। मैंने कहा अगर संविधान नहीं रहेगा तो बीमा कोरेगांव भी जो है इस देश में हो सकता है। इस संविधान, इस देश के संविधान में बराबरी की बात है, फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई किसी व्यक्ति पे उत्पीड़न नहीं कर सकता, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सब अपने धर्म जाति को मान सकते हैं, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, आराम से चैन अमन से रह सकते हैं। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को हुआ, जब पेशवाओं के खिलाफ इस देश के मराठा में और महारों ने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो गुलामी वो लोग झेल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ने का काम किया और पेशवाओं को धूल चटाई, तो गुलामी के खिलाफ लड़ने का शौर्य का प्रतीक भीमा कोरेगांव है। जिस भीमा कोरेगांव के वॉलेंस की आप बात कर रहे हैं वो 2वीं वर्षगांठ पर हुआ, जब मनुवादियों को ये बात नहीं बची कि हम अपना शौर्य दिवस मनाएं।